दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं अपराध और अपराध की प्रकृति, जो कि 7 साल से कम उम्र या फिर 7 से 12 साल के बच्चों के द्वारा की जाती है। बाय द वे दोस्तों, देखिएगा कि जो कोई भी अपराध हो, अगर वो 7 साल से कम किसी भी लड़के लड़की द्वारा की जाती है तो वह अपराध माना ही नहीं जाता, चाहे कैसा भी अपराध हो। उसके अलावा दोस्तों, अगर 7 से 12 साल की उम्र रहती है, इसमें भी जनरली ये तो सोच लिया जाता है कि ऐसे बच्चों को नहीं पता होता कि अपराध की प्रकृति क्या है एंड वो करने के बाद उनको क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो विल देखिएगा, अगर इन ब्रॉड देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता में IPC के सेक्शन 82/82 एंड 83/83 में क्रमशः है 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई अपराध नहीं माना जाएगा, एंड जो 7 साल से लेकर 12 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनका भी किया गया कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वो कोई भी अपराध क्यों ना हो। बाय द वे, ऐसा ही सोच के कई बार आप ये सारी चीज़ें TV में देखते हैं तो कुछ लोगों के मन में भ्रम बैठ जाता है कि लिहे दादू गिलास में जहर है ओकर ले जाकर दे दिए, ये सोच के ऐसा अपराध करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि IPC के सेक्शन 107 में 107 में ये भी बात है कि अगर आप कोई अपराध के लिए किसी को दुष्प्रेरित करते हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, तो बच्चे अगर कोई अपराध कर रहा है तो वो तो अपराध माना नहीं जाएगा, वो बाइज्जत बरी रहेगा, क्योंकि ऐसा कानून बोलता है, उसको समझ नहीं है। लेकिन दुष्प्रेरण के लिए आपको ज़रूर वही सज़ा मिलेगी जो अगर वह बच्चा वयस्क होता और उसे मिलती अगर वो ऐसा काम करता। तो देखिएगा, दुष्प्रेरण के लिए दंड होता है अगर कोई भी चोरी डकैती कोई भी ऐसी आपराधिक घटना होती है और आपका उसमें शरीक होना पाया जाता है, आप उसमें हिस्सा लेते हैं किसी भी रूप में, तो अपराध के दुष्प्रेरण या उसमें सहभागिता के रूप में आ जाता है और आपको भी उसी प्रकार का दंड मिल सकता है जो कि उसके लिए उपबंधित है।